please subscribe to our YouTube channel Van Finn Multibaggers and press the bell icon to see the latest updates and videos. Van Finn, discover opportunities, create wealth. महान साहित्यकार और नोबेल पुरस्कार विजेता जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि गलतफहमी रखना गलती करने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। शेयर बाजार में भी निवेशक अक्सर गलतफहमी पाल लेते हैं। कुछ शेयर मौके की तरह लगते तो जरूर हैं, लेकिन असल में होते वो धोखा है। लेकिन कुछ जो धोखा लगते हैं उनमें ही कमाल के मौके छिपे होते हैं। आज हम कुछ ऐसे ही शेयरों की चर्चा करेंगे जिनके बारे में खूब हो हल्ला हुआ। बाजार ने इनके बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट, ग्रोथ स्टोरी को लेकर बड़ी बड़ी कहानियां गढ़ी, ऊंची ऊंची उम्मीदें लगाई, लेकिन ये सब निकली गलतफहमी। ऊंचाई से कुछ तो आधे हो चुके हैं। सवाल ये उठता है कि क्या सस्ते हैं तो खरीद लें। देश भर में आपने देखा होगा जगह जगह खबरें आ रही हैं मॉब लिंचिंग की, वो हत्या की खबरें आ रही हैं, चाइल्ड लिफ्टिंग की रूमर्स आ रही हैं सोशल मीडिया में, और उसके बाद ये भीड़ हल्ला मचाती हुई आपको नजर आएगी अक्रॉस द कंट्री। महाराष्ट्र लेके असम तक आपने देखा होगा इस तरह की खबरें उठती हुई। जो हो रहा है वो बहुत गलत है और कई लोग इस गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं, और वैसे ही शेयर बाजार में भी कई लोग कई जगह गलतफहमी का शिकार होते हैं। कैसे ये बताएगी हमारी पूरी इन हाउस टीम, और उस गलतफहमी से कैसे बचें इस पे बातचीत करूंगा मैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन साहब से। जैन साहब, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। ये गलतफहमी नीरज जी, ये आइडिया बेसिकली आया क्यों? ये पहले मैं कहूंगा, हाँ। आज मुझे ऐसा लग रहा है आवाज अड्डा की फिल्म में बैठा हूं, जबरदस्त आवाज में लिंचिंग वो फील आया। तो लेकिन गलतफहमी जो आपने, जैसे गलतफहमी मुर्गे को होती है कि अगर वो मांग नहीं देगा सुबह नहीं होगी। फैक्ट्स, एक तो फैक्ट्स आपके गलत होते हैं, और दूसरा आपको क्राउड मेंटालिटी जो होती है ना, थोड़ा हर्ड मेंटालिटी जिसे हम कहते हैं, हाँ। तो ये दो चीजें गलतफहमी के लिए बेस का काम करती हैं। सबसे अहम बात है, भीड़ के पास दिमाग नहीं होता, दिमाग नहीं होता तो विवेक नहीं होता, यानी डिस्क्रिशन नहीं होता। क्या लेना है क्या नहीं लेना है ये फैसला भीड़ कभी नहीं कर सकती। एग्जैक्टली, ये फैसला हमेशा अकेला आदमी अपनी अकल लगा के ज्यादा बेहतर करता है। इन्हीं दो की कमी की वजह से गलतफहमी। फिर तो आप लोग स्टॉक से शुरू करो, तभी समझ में आएगा आप लोग कहना क्या चाहते हैं। एग्जैक्टली, है ना। कौन कर रहा है शुरू? गलत फहमी के शिकार से मैं शुरू कर देता हूँ। करिए। एक स्टॉक है जो आप सबने नाम सुना होगा, यूज भी किया होगा, जस्ट डायल। यूज करना बहुत साल पहले छोड़ दिया। क्या बात कर रहे हैं? ये गलत फहमी है आपकी कि अभी हम यूज करते हैं। इसीलिए स्टॉक जो है 1800-1900 से गिर के आज 500 पे आ गया। अरे अमिताभ बच्चन ऐड करते हैं यार उसका। उन्होंने पैसा बनाया, वो भी गलत फहमी के शिकार। उन्होंने पैसा बनाया, वो इन्वेस्टर भी थे उस कंपनी में, वो शुरुआत वाले इन्वेस्टर, उन्होंने स्टैम्पीड में भी पैसा बनाया। देखिए इंटेलिजेंट आदमी है, वो पैसे डुबाते नहीं है। गलतफहमी से स्टॉक में ये हुई, देखिए गलतफहमी समझिए स्टॉक को, कि ये स्टॉक जब आया 2014 में लिस्टिंग होने के लिए, तो एक नया कॉन्सेप्ट था, नई कंपनी थी कि बहुत बड़ा एक सर्च इंजन बनाएंगे, देश की सबसे बढ़िया ओरिजिनल कंपनी के तौर पे ये आवाज़ आएगी। लेकिन धीरे धीरे ये बात सामने निकल के आई कि गूगल है सामने आपके, और दूसरे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आपको यही प्रोडक्ट फ्री में मिलता है, बहुत बड़ी संख्या में मिलता है। तो धीरे धीरे से स्टॉक में कमी आने लगी और बहुत बुरी तरीके से गिरने लगा। तब भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ये बहुत ज़्यादा पी बैक्ड स्टॉक है, बहुत अभी भी इसमें बहुत सारे पी फंड हैं जिनको अभी भी गलतफहमी है कि ये सर्च इंजन बन सकता है भारत दुनिया का सबसे बड़ा। तो वो चलता रहा, उसके बाद गिरता रहा, इस गलतफहमी को दूर करते रहे। बीच में एक अफवाह या हवा या खबर पता नहीं क्या उड़ाई गई कि इसको गूगल खरीद लेगा, क्योंकि ये बहुत महान कंपनी है और इसके बहुत ज़्यादा एंटरप्राइज कस्टमर हैं, तो शायद गूगल इसको ले ले, तो फिर स्टॉक चलने लगा। लेकिन वो खबर हुई नहीं। और आप जाइए, आप पहले सर्च करते तो जस्ट डायल के ऑप्शन आते थे, आप गूगल में सर्च करिए तो अपने आप ही सारे आंसर दे देता है आपको। ओला किससे जाना है वो सब बता देगा, कहाँ जाना है, कितना पैसा लगेगा, जो जल का धंधा तो एकदम खत्म होने के कगार पे खड़ा है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी, बहुत सारे लोग, अच्छा इसमें ये जरूरी नहीं कि रिटेल ही गलतफहमी के शिकार हो, बड़े बड़े दिग्गज इसमें शिकार होते हैं। तभी तो 1800 का भाव निकालते थे एक समय। एग्जैक्टली। नहीं देखिए, तो निकल गए, नहीं अभी भी है इसमें बहुत सारे, देखिए अभी भी नालंदा कैपिटल है, सब निकल गए, 10% नालंदा कैपिटल अभी भी लेके बैठा हुआ है, उसको अभी भी उम्मीद है। इसमें तो ये बहुत क्लियर है ना, अब रेस्टोरेंट तो जोमेटो बताता है, प्लम्बर, मूवर्स, ये सब अब अर्बन क्लब बताता है, अब ये सब नहीं, बचा हुआ सब कुछ कुछ नहीं छोड़ा गूगल। एक्चुअली पता बताने के लिए इतना पैसा क्यों दे? अच्छा छोड़ो ना, आपका व्हाट्सएप ग्रुप बता देगा आपको।
आप क्यों गूगल की, आपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाले कि अभी आप रायपुर जाने वाले ना कल, वहाँ के सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट आपके ग्रुप के दोस्त बता पूछो भाई, पूछ लेना। चलिए अच्छा, गलतफहमी का शिकार जलजैल में पूरा बाजार हुआ है, है ना? Exactly. सब पूरा मार्केट हुआ है। इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी कंपनी है और बहुत बुलिश हुए लोग और बहुत तेजी दिखाई, लेकिन संदीप जैन साहब ये गलतफहमी है कि ये वाकई वापस तेजी दिखाने वाला है, और अगर गलतफहमी है तो कैसे बचूं, निकल जाऊं इस स्टॉक से? देखिए गलत फहमी ही थी। देखिए मुझे याद है मैं हर्षिता जी के साथ शो कर रहा था और जसडायल के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव व्यू दिया था बहुत 2-3 साल पहले, और जब ये 100+ के पी मल्टीपल पे चला करता था। और देखिए ये टेक्नोलॉजी और ये जो कॉन्सेप्ट है, अब ये गूगल के ज़माने में मतलब ज़रूरत नहीं है। गूगल ने पूरा, जब लोग बाग बोल रहे थे कि गूगल जसडायल को टेक ओवर करेगी तो मुझे लगा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। एक बात बताओ सर, आप भी गलतफहमी के शिकार हुए थे क्या? सक्षम है कि ये चीज़ बहुत ईजिली क्रिएट कर दें। हाँ हुआ था, मैं इनफैक्ट वेरी फ्रेंकली बताऊँ, मैं बहुत बड़ा यूजर भी था और कोई ना कोई तरीके से इन टाइप के थोड़े बहुत वेंचर्स भी एक्सप्लोर किए हुए हैं लाइफ में वेरी फ्रेंकली। बट अब ऐसे ऐसे वर्टिकल्स आ गए, अगर खाने की याद आए तो आदमी जोमैटो को याद करता है, होटल्स की याद आए तो ओयो रूम्स को याद करेगा, जैसे प्रदीप जी ने कहा अर्बन क्लैप है तो फ्लिपकार्ट, ये सारे पोर्टल्स ने एक्चुअली। बट फिर भी मैं एक बात कहूँगा कि जो क्वार्टरली रिजल्ट्स थे वो अच्छे थे, गलत फहमी जरूर थी, बट कंपनी के पास हो सकता है कि अभी भी रेवेन्यू मॉडल है, क्योंकि जो रजिस्टर्ड क्लाइंट्स है वो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे जाते जाते जाएगा, अभी भी इनकी रेवेन्यूज तो आती है, और अगर ये कुछ और दूसरा कुछ करे और नया कोई इनोवेशन ले आए तो बात अलग है, या फिर ये लोग कोई एसएमई लैंडिंग में चले जाएं, मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही प्रोबेबल इनका जो नेक्स्ट स्टेप एक्सपेंशन या कोई भी डाइवर्सिफिकेशन होगा, दैट कैन बी एसएमई लैंडिंग, बिकॉज़ दे हैव गॉट ह्यूज टच विद एसएमई लैंडिंग। ठीक है, तो इस समय क्या करूं, एग्जिट करूं इस स्टॉक से सर? मेरे हिसाब से तो देखिए एंट्री तो करनी नहीं चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और जिन्होंने ले रखा है कोई भी बाउंस आए बिल्कुल एग्जिट करना चाहिए। तो फिर ये होगा वो होगा, इस गलती में पड़ा ही ना, है ना, निकल ही जाऊं इस स्टॉक से। गलत फहमी और खुश फहमी के बीच में एक बहुत बारीक सी लाइन होती है। आगे बढ़ो, मैं एक अगला स्टॉक बता रहा हूँ, क्योंकि एक ही स्टॉक में हमने बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। मैंने कहा टाइम लिया, मैं हमेशा देखता हूँ, संदीप जी ने ज्यादा टाइम लिया। बोलो, एक स्टॉक जो मेरा है वो BML है, और गलत फहमी एक नहीं दो बार आप इस गलत फहमी के शिकार हुए। पहले 2013 में स्टॉक याद रखिए 150 रुपए में कामकाज करता था, उसके बाद नई सरकार आई, डिफेंस पे बड़ा खर्चा होगा, डिफेंस पे बड़ा तगड़ा आउटले आएगा, डिफेंस पे आउटले आएगा तो किसको फायदा होगा, एक सरकारी कंपनी जिसका प्रोडक्ट बड़ा तगड़ा है, तो ये स्टॉक 150 का स्टॉक 1500 के हाई छुए थे 2015 में, इस तरह की तेजी आई। फिर बाजार रियलाइज करा कि डिफेंस तो बड़ा लंबा आउटले होता है, बहुत समय लगेगा, जेस्टेशन पीरियड लंबा है, ये स्टॉक पिटा, आधा हो गया 1500 का, 800 के लेवल्स पर आया। दूसरी बार फिर गलतफहमी का शिकार हुआ मैं, कैसे? 2017 में खबर आई कि सरकार 2003-04 के बाद फिर से स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने वाली है, और उसमें इस कंपनी का नाम आया, 26% स्टेक बेचेंगे। यह खबर आई नहीं कि बाजार में तरह तरह के नाम उछलने लगे, मित्सुबिशी लेगा, सीमेंस लेगा, L&T लेगा, ऐसा लग रहा था एकदम हॉट सेलिंग पोटेटो, सबको चाहिए धंधा। पर अब इवेंचुअली रियलाइज किया, तब ये जब खबरें आई ना, ये स्टॉक 1950 तक के हाई छू के आया, इस तरह की तेजी स्टॉक में देखने को मिली। और अब जब पता चला कि कोई खरीदने के कगार पे खड़ा नहीं है, ये स्टॉक वापस अब 800 के लेवल्स पे काम काज करता हुआ, इसलिए दूर हो गई, दो बार गलतफहमी हुई है, मेरे ख्याल से अब तो गलतफहमी दूर हो जानी, दो बार दूर हो चुकी है, उसी लेवल पे आ गया। संदीप जी इस स्टॉक पे कॉल। देखिए मैं अब ये कहूँगा कि इन लेवल्स पे जिन्होंने ले रखा वो एग्जिट तो ना करें, बाकी आप बहुत सही करें। देखिए डिफेंस बहुत सारे एक्सपेंडिचर की बात चल रही थी और बहुत बज भी था पूरे सेक्टर को लेकर, और इसमें जिस तरीके से कई बार स्ट्रेटेजिक सेल और ये सब की बातें आई है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी आजकल ये जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं वो लोग बहुत कॉशियस हो गई है कोई भी PSUs को लेने में, क्योंकि क्या होता है एसेट्स है, काफ़ी वैल्यू है, बट साथ में जो कल्चर आता है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर उसको वो झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए बहुत कॉशियसली वो लोग कोई भी जने इसको स्ट्रेटेजिकली बाई करेंगे। देखिए एयर इंडिया भी हुई थी, फिर IDBI की भी बात आई, फाइनली LIC को देना पड़ा, सो आई फील दैट कि जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रख सकते हैं। संदीप जी आप करें कम से कम 2019 के चुनाव के बाद तक होल्ड करें, क्योंकि तभी नई गुंजाइश पैदा होगी, नई उम्मीदें जागेंगी 2019 के बाद तक के लिए। बिल्कुल अब तो लगता नहीं कि कोई बहुत बड़े बिग बैंग अनाउंसमेंट्स अब इस इलेक्शन ईयर में सरकार करेगी, और जिस तरीके से PSUs आउट ऑफ फ्लेवर भी हो चुके हैं तो फाइनली तो गलत फहमी जो थी अब उसका भुगतना भी पड़ेगा। और बट ये ज़रूर है कि गवर्नमेंट की है तो इसीलिए बहुत ज़्यादा रिस्क गवर्नेंस की नहीं है, और प्लस दूसरे इश्यूज नहीं है, तो होल्ड करके रखे, 2-3 साल का कम से कम नज़रिया रखना पड़ेगा इस कंपनी को होल्ड करने के लिए। चलिए तो अपडेट
गलतफहमी का शिकार जरूर हुआ है, लेकिन देखते हैं 2019 के बाद इसमें कुछ फिर से पटरी पर आएगी वो विनिवेश की गाड़ी या नहीं। लेकिन एक सेक्टर है जो हमेशा गलतफहमी का शिकार हुआ, एजुकेशन। एजुकेशन में एक के बाद एक ढेर सारी कंपनियां लिस्ट हुई लेकिन पैसा बनाई नहीं है। सबसे अट्रैक्टिव लगता है ये सेक्टर देखने की। और भारत में आप देखिए कितना बड़ा सरकार का रोड मैप होता है कि एजुकेशन में इतना सारा पैसा खर्च करेंगे और लोग भी उसी में आकर इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो ट्री हाउस एक सबसे बड़ी गलत फहमी थी क्योंकि इस शहर में देखिए एजुकेशन स्पेस का एक बहुत बढ़िया प्लेयर था। आप किसी भी छोटे शहर या बड़े शहर में जाएं तो ट्री हाउस का आपको एक गली कूचे में वो प्राइमरी एजुकेशन वाले स्कूल जरूर मिलेंगे। लेकिन इस कंपनी में इतना ज्यादा जील था वो कैचअप ही नहीं कर पाए। मुझे याद है कि 2015 में कंपनी के बुक्स पर अच्छा खासा कैश था, ये 550 के आसपास वाला स्टॉक था, आज तो मुश्किल से 8 रुपए मिल जाएंगे इसके। लेकिन सब को पसंद आती थी। हाँ, सब फंड्स ने खरीदा था, बड़े बड़े रिटेल निवेशकों ने खरीदा था, क्या पता संदीप जैन के पास भी था एक समय किसी समय स्टॉक, लेकिन कैश इसका एकदम गायब हो गया। 150 करोड़ कैश था और 6 महीने में सिर्फ 29 करोड़ बैठ गया। 10x10 की दुकान में शटर लगा रहता था। हाँ, ट्री हाउस लगा रहता था। लेकिन चला था धंधा ये। हाँ, अगर क्लीन तरीके से धंधा चलाते तो मुझे भी धंधा पसंद आता था एक समय। प्रॉब्लम यही थी कि क्लीन नहीं था, क्योंकि डीलर ने आके बोला चलो हम इसको अक्वायर करेंगे, तब लोगों ने सोचा कि चलो यहाँ पर कुछ मिलेगा। बच्चों के बीच में स्कूल शट डाउन कर दिए थे। संदीप जैन साहब 10 रुपए के नीचे खरीद डालूं क्या? डीप वैल्यू भाई। नहीं बिल्कुल नहीं। आशीष जी, मैं इनफैक्ट हर्षदा जी ने बोला कि इनके पास भी होगा, मैं देख रहा था। और जब से वो एडुकॉम्प वाला डिबैकल हुआ है ना, तो मैं बहुत ज्यादा कॉशियस हो गया कोई भी एडुकेशन स्टॉक लेने में। डर लगने लगा। देखिए आप कोई भी स्टॉक उठा के देख लीजिए, एडुकेशन का कोई बहुत बड़ा पैसा बना के दिया नहीं है। ये सब थोड़े सोशल सेक्टर, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप वाले, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा। और मैंने देखा जयपुर में भी, मैंने चैनल चेक भी किया हुआ है, जो लोकेशन पे इनकी स्कूल्स थी वो कोई बहुत अच्छी नहीं थी, बल्कि मेरे घर से 200 मीटर दूरी है इनकी स्कूल है। एंड आई कैन सी किस तरीके से वो रन हो रही है। वहां पे पहले भी एक दो स्कूल्स बंद हुई है उसी प्रॉपर्टी पे, तो समाओ मुझे वैसे ही लग गया था कि स्ट्रेटेजिकली कहीं ना कहीं थिंकिंग की प्रॉब्लम है। छोटी छोटी चीजें कई बार बहुत मैटर करती है, जैसे पीसी ज्वेलर्स में जयपुर के शोरूम की लोकेशन देख के मुझे डर लग गया कि प्रमोटर्स कैसे सोच सकते कि इस जगह पे शोरूम खोलना चाहिए। तो कुछ चीजें होती है जो डिसीजन छोटे छोटे होते हैं मगर चीजें बहुत बड़ी बता जाते हैं। हाँ, तो वैसे ही तो इस स्टॉक में घुसे ना, देख के लियर ना, जो भी है तो भी निकाल देना चाहिए। ठीक बात, दूर रहने की सलाह। सोनम, आशीष, मेरा जो स्टॉक है ना, इस पे मैं श्योर हूँ कि सब लोग के पास ये डेफिनेटली होगा और सब लोग इस पे पॉजिटिव थे क्योंकि सब लोग मानते थे विम्बलडन में ये टॉवल्स देती है तो डेफिनेटली इसका शेयर तो लेना ही चाहिए। लेकिन बहुत बड़ा धक्का लगा। मैं स्टॉक बात कर रही हूँ वेल्थ फॉर इंडिया की। इसके टॉवल्स, आई थिंक इसका टॉवल तो मैंने ऑन एयर इस्तेमाल करा हुआ है। इसके टॉवल लेकर सवाल उठाए गए तो इनके बेडशीट्स और जो पिलो केसेस थे वो बेचे जा रहे थे बाय अ वेरी बिग कंपनी, ट्रांसकॉप करके ये कंपनी थी जो वॉलमार्ट के बाद दूसरी सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है जो बेचती है यूएस में इनके प्रोडक्ट्स को, और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया ये बोल के कि इनके प्रोडक्ट्स के क्वालिटी का इशू उठाया गया है। वॉलमार्ट जो थे उन्होंने भी अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज या फिर रिविजिट करने का गड़बड़ी थी। बिल्कुल कॉटन नहीं यूज कर रहे, सही कॉटन नहीं यूज कर रहे, हम पूरा बनाते हैं। दर्शकों को पता होना चाहिए इजिप्शियन कॉटन नाम की अब कोई चीज नहीं बची है। हाँ। वो बहुत कम मात्रा में पैदा होती है, सिर्फ झूठ लिखते हैं लोग। तो उसके दूसरे ब्रांड अमेरिका में पैदा होते हैं वो कॉटन, और इसी झूठ के कारण जो शेयर 120 के लाइफ टाइम हाईज बनाए थे स्टॉक ने, आज ये 50% ऑलमोस्ट लड़क चुका है और अब ये स्टॉक सिर्फ 50 रुपए पर बना हुआ है। तो आप कह सकते हैं बहुत ही खराब हालत हो गई। तो जो लोग इस पे बुलिश थे दिक्कतों से उभर नहीं पाया, बिल्कुल नहीं उभर पाया। कंपनी ने बहुत कोशिश की लेकिन जैसे आपने कहा अभी इजिप्शियन कॉटन मार्केट में मिलता नहीं है, इतना है ही नहीं, वो झूठ लिखा जा रहा है और इसलिए इन लोग को भी क्लियर करना बहुत मुश्किल हो रहा है। संदीप जी, वेल्थ फॉर इंडिया। आशीष जी, आपको याद होगा नो योर कंपनी में आपके साथ मैं शो कर रहा था, प्रमोटर भी थी,
तो काफी ग्लैमरस प्रमोटर थी और कई बार ऐसा लगा था कि विंबलडन में जा रहा है सामान। आपने उसी दिन स्टॉक खरीदा था ना? आपने उसी दिन स्टॉक खरीदा था? गवर्नेंस एक ऐसी चीज है तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक ऐसी चीज है कि जिसके साथ मार्केट कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, और मुझे ऐसा लगता है कि डेट्स और इन टाइप की चीजें और सिंगल कस्टमर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंस होना, ये सारी चीजें बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है, क्योंकि मोनोपोलिक होते ही सामने वाला रूल करने लगता है। सो ओवरऑल आई फील दैट कि इस पर्टिकुलर स्टॉक पे हाथ ना लगाएं, ज्यादा बेहतर होगा एग्जिट ऑन बाउंस की ही रणनीति अपनानी चाहिए। फंसे हुए तो काफी लोग हैं, बट मार्केट में तो अभी और भी अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स काफी अच्छे गिरावट में मिल रहे हैं, तो वहां अपॉर्चुनिटीज ढूंढे, इसके पैसे निकाल के वहां डालें। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर आजकल तो अच्छी अच्छी ब्लू चिप कंपनीज की पिटाई हो रही है बाजार में, तो ठीक बात, दूर रहे ऐसी कंपनी से समय। आज बात कर रहे हैं उन स्टॉक्स की जिसमें बाजार के कई सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स गलत फहमी का शिकार हुए। कौन से ऐसे स्टॉक्स है और उनमें रणनीति क्या, उस पर हो रही है खासतौर पर चर्चा। हमने चार पांच स्टॉक्स की ऑलरेडी बातचीत कर ली है, लेकिन और भी कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज है ना? डेफिनेटली देखिए आशीष, आप बात करते उन स्टॉक्स की जिनके कारोबार को लेके गलत फहमी थी, इनके काम को लेके गलत फहमी थी, लेकिन मेरा एक स्टॉक है जिसके नाम को लेके गलत फहमी थी और आप सब जानते हैं, वो है तलवलकर। कौन सा धंधा किसने, हर्षद और प्रदीप को तो अक्सर बताओ क्योंकि मैं लिंक करता था, और ये बाद में सोचते थे कौन किसमें गया है। जैसे अभी आशीष शेक्सपियर को याद कर रहे थे, ऐसे एक दिन तुम भी तो शेक्सपियर को याद कर रहे हो। नाम में क्या रखा है किसी ने, इसके तो नाम में सब कुछ रखा है। क्योंकि देखिए जब इनने डीमर्जर किया था तो एक्चुअली बिजनेस जिम का कारोबार और लाइफस्टाइल दोनों था, जो बड़ा कारोबार था वो जिम का कारोबार था, और उसी को आपने डीमर्ज कर दिया और आपने उसको बाद में लिस्टिंग करेंगे कहा, और उसको लिस्टिंग किस नाम से करेंगे, लाइफस्टाइल के कारोबार में, और लाइफस्टाइल का जो कारोबार है वो अभी जो तलवलकर बेटर वैल्यू फिटनेस है उसी में रहेगा। तो ये कन्फ्यूजन जब क्रिएट हुआ, जब ये डीमर्जर हुआ था ना, ये स्टॉक ट्रेड करता था 241 रुपीज़ पे, पहले दिन तो शायद लोगों को समझ में नहीं आया, पहले दिन तो और जैसे हाँ। और इनफैक्ट सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर नहीं, एनालिस्ट लोगों को भी समझ में नहीं आया था ये हो क्या रहा है, वो डिस्कवर्ड प्राइस ऊपर आ गई थी, उसके बाद से तो वो लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगने शुरू हो गया। उसके बाद कंपनी ने क्लेरिफिकेशन दिया, फिर तो लगातार लोअर सर्किट लगाते लगाते 90-80-100 किस भी लेवल तक आया, आज करीब 50 रुपए के आसपास के प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी कर रखा है ना, कौन से तलवलकर्स के, तलवलकर हाँ जिम जाता था मैं पहले तो इसलिए बोला जिम का कारोबार अच्छा है, अब नहीं जाता। संदीप जी कंफ्यूजन दूर करें, अब करना क्या है? देखिए होल्ड कर सकते हैं आशीष जी, देखिए मैं एक बात तो कहूंगा कि देखिए ये बहुत बड़ा एक कॉर्पोरेट एक्शन का एक कंफ्यूजन था, सही है काफी दिन सर्किट वगैरह सब लगे, बट समहाउ ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट वैसे सही है और काफी ग्रोथ पास्ट में दिखाई है अपने बिजनेस में, और देखिए एक सिनोनिमस सा नाम है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, तो अब इन लेवल्स पे तो एग्जिट करने की राय नहीं दूंगा, जिन्होंने ले रखा बस वो होल्ड करके रख सकते हैं, फ्रेश एंट्री और फ्रेश बाइंग के लिए तो और दूसरे बहुत सारे विकल्प हैं जहां पे दिमाग लगाएंगे। अच्छा आशीष, इसमें अभी कंफ्यूजन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी जो नाम है ना इनका आगे आके फिर बदलने वाला है, तो जो लाइफस्टाइल नाम है ना वो आगे जाके बेटर वैल्यू फिटनेस होगा, जो बेटर वैल्यू फिटनेस होगा जिम का बिजनेस कहाँ है, लाइफस्टाइल में, लाइफस्टाइल में जिम आगे में, अगर आपको जिम आगे बदलेगा है तो तलवलकर लाइफस्टाइल लीजिए आगे, ये चेंज होकर के आई होप कि वो टाइम पे मैनेजमेंट बता दे कि हम चेंज कर रहे हैं, नहीं तो फिर से कंफ्यूजन क्रिएट होगा, बोल दिया तो कर दिया है, लेकिन जब चेंज होगा तब की बात है। ओके चलिए एक स्टॉक मैं भी बताऊँ, वो है हुडको, और चूंकि हाउसिंग फाइनेंस बड़ा एक हम कह सकते हैं कि हैपनिंग सेक्टर है, तो उसमें लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट था और सरकारी कंपनी है। अभी आप देखिए इस समय ये अपने बुक वैल्यू उसका 45-50 रुपए है, 55 पे आज चल रहा है, 54-55 के लेवल पर, तो मुश्किल से 10% ऊपर है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में पब्लिक सेक्टर में ही LIC हाउसिंग है, जो करीब करीब अपने बुक वैल्यू के 2.5 गुने पे ट्रेड होता है, अभी भी इस समय भी हो रहा है, तो इतना बड़ा डिस्काउंट जो इसको मिल रहा है, ये किसी भी फंडामेंटल एनालिस्ट को तो लगा नहीं होगा कि ये 50 रुपए के बुक वैल्यू वाली कंपनी है, 75-100 के बीच तो आराम से ट्रेड होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इसकी वजह जो खासतौर पर नजर आती है, ऐसा लग रहा है कि इसको इतने फंड की शायद जरूरत नहीं थी जो इशू ये लेकर आ गए। आमतौर पर फाइनेंस कंपनीज 9-10 टाइम लेवरेज होती है, यानी 10 रुपए की इक्विटी है तो 90 रुपए के डिपॉजिट और बोरोइंग होते हैं, यहाँ पे 10 रुपए की इक्विटी पे केवल 30 रुपए का डिपॉजिट और बोरोइंग है, तो इक्विटी को आप लेवरेज ही नहीं कर रहे, इसलिए ROA तो जबरदस्त दिखता है लेकिन ROE सिंगल डिजिट में आता है। LIC हाउसिंग का ROE इनसे डबल है और ये NPA भी कर रहे हैं, 6-7% के आसपास ग्रॉस NPA है। IPO से बड़ी फैंसी बनाई गई थी, पूरा गांव पीछे पड़ा हुआ था, हाउसिंग यही सब इसी ही करेगा सब, ये इसके कैपिटल स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से, तो जिसकी वजह से आपको वैसे वैल्यूएशन नहीं मिल रहे, हालांकि अब यहाँ से गंवाने को कुछ खास दिखता नहीं क्योंकि अभी बुक वैल्यू भी आ गया है, अगर 90 पे होता है नीचे ट्रेड कर रहा है मेरे ख्याल से अब तो ये, हां बहुत नीचे, संदीप जी क्या कॉल होगा?
देखिए बिल्कुल इसमें तो मैं भी एक चीज एडमिट करूंगा कि मैंने भी राय दी हुई है, 80 रुपए के लेवल्स पे भी राय दी हुई थी, आईपीओ में भी एग्रेसिवली राय दी थी लगाने के लिए, 3 फिगर पे गया था, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अब इन लेवल्स पे जो प्रदीप जी ने कहा कि अब खोने को नहीं है, और ये एक B2B और B2C दोनों कारोबार में है, इनफैक्ट कुछ रियल एस्टेट और अर्बन डेवलपमेंट को लेकर भी काम करती है, तो थोड़ा सा वहाँ पे कुछ इश्यूज रहते हैं, बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जिस प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे जनरली ट्रेड करते हैं उसके सामने तो ये सस्ता है, और मुझे लगता है कि अब डाउनसाइड रिस्क बहुत ज़्यादा तो लगती नहीं है, 50-55 ये एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल है, तो मेरे हिसाब से तो इस स्टॉक में बिल्कुल निवेशित रहना चाहिए, बल्कि थोड़ी बहुत एवरेजिंग करने की भी मैं राय देता हूँ, जो चीज़ें लग रही है कि बहुत बुरा होना नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज बेहतर हैं इसीलिए। ठीक है, एक स्टॉक और बचा सुनो। हाँ, आशीष, मिश्र धातु निगम, ये एक ऐसी कंपनी है जिसको लेकर लोगों ने बोला खराब कंपनी है इसको, मतलब बेसिकली मार्केट में उतरने से पहले लोगों ने बोला नहीं नहीं ये कंपनी से दूर रहिए, मार्केट में आने से पहले दूर बोला गया, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव बताए गए, ऑर्डर बुक पे सवाल उठाए गए, पर सरकारी कंपनी के ऊपर सवाल उठाए गए, मार्केट खराब था तो बोला कि नहीं नहीं अभी मत करो, लिस्टिंग नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा इस पे, लेकिन एक अच्छी कंपनी को खराब समझने की गलतफहमी यहाँ पे हुई है, शेयर ने आउट परफॉर्म किया है, ऑर्डर बुक की बात करें या फिर कंपनी की ओवरऑल टेक्नोलॉजी की बात करें, कंपनी लगातार परफॉर्म कर रही है, और जो शेयर ने लगभग 90 का इश्यू प्राइस पे ये मार्केट में उतरा था उसने 100% रिटर्न्स देके 177 का हाई बनाया है, तो जबरदस्त अच्छी कंपनी को गलत या फिर खराब समझने की बहुत बड़ी गलतफहमी है। काफी लोग पूछते थे मिश्र धातु है कि मिश्रा धातु, अंग्रेजी में देखो तो कुछ और था। हां ठीक बात, तो संदीप जी वैसे सरप्राइजिंग जिस तरह की तेजी स्टॉक में आई, वैल्यूएशन तो वाकई महंगे थे जब आईपीओ आया था। संदीप सर कॉल क्या होगा इस पे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वैल्यूएशंस महंगे थे, और उस टाइम पे एक चीज क्या हुई थी कि डिफेंस मिनिस्ट्री के 3 IPOs एक साथ आए, बाकी दोनों IPOs में पैसा बना नहीं था लोगों का, तो यहाँ पे भी ऐसा ही लगा कि कुछ गड़बड़ होगी, और साथ में ये देखिए कि जिस तरीके के ये एलॉयज में है, टाइटेनियम एलॉयज, और कुछ यूनिक बिजनेस मॉडल और एकदम अनोखे मेटल्स में है जो कि दूसरी कंपनियां नहीं करते, तो उस चीज को मार्केट जो यूनिकनेस होता है और जो USP होता है और फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है उसको मार्केट बहुत हाईली रेट करता है, तो उसी का ही एक खुशफहमी वाली ये एक शिकार हुई है, तो आई थिंक जिन्होंने ले रखा वो बिल्कुल होल्ड करके रखें, समहाउ डाउनसाइड बहुत ज्यादा मुझे यहां से लगता नहीं कि ये कोई करेक्ट कर जाएगा जब इतना फास्ट चला और आउट परफॉर्म किया मार्केट को, तो इट्स अ गुड स्टोरी एंड होल्ड करके रखना चाहिए, होल्ड करना चाहिए मिश्र धातु निगम को। ये आखिरी कॉल आता हुआ आज के गलतफहमी स्टॉक्स से तमाम, जिसपे हमने कोशिश करी थी कि आपकी गलतफहमी दूर करी जा सके इन स्टॉक्स पे। संदीप जैन साहब आपका धन्यवाद मदद करने के लिए, और आप सबका इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ने के लिए नमस्कार।